प्रेसिडेंट सुभाष शर्मा जिंदाबाद, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, संजीव बोस मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, हाजरी मजदूर यूनियन जिंदाबाद, हाजरी मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जी संजीव रेड्डी जी जिंदाबाद, जी संजीव रेड्डी जी जिंदाबाद, पंजाब प्रधान सुभाष शर्मा जी जिंदाबाद, पंजाब प्रधान सुभाष शर्मा जी जिंदाबाद। सलाम वालेकुम दोस्तों, करंट रिपोर्ट चैनल मौजूद है आज इंटक के क्रांतिकारी नेता मास्टर फिरोज आलम जी के इलाके में, जहां पर सैकड़ों साथियों समेत उन्होंने जो आज की हड़ताल थी, स्ट्राइक थी, देशव्यापी हड़ताल दो दिन की, उसमें इन्होंने शमूलियत की। हम उनसे जानकारी लेते हैं क्या उद्देश्य था इस हड़ताल का। सर क्या कहना चाहेंगे जी आप? सर आज जो 8 और 9 को जो स्ट्राइक किया गया है, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय यूनियन है और जितने भी प्राइवेट यूनियन है, इन सब के तरह से जो है ना साझा एक स्ट्राइक किया गया है पूरे देश के अंदर में। पूरे देश के अंदर में तकरीबन 40 करोड़ मजदूर हड़ताल पे हैं, चाहे वो सरकारी मजदूर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले मजदूर हों। तो जो देश का जो हालात है सर, इसके बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हालात है। ये मजदूरों के लिए बहुत ही शर्मनाक जो कानून व्यवस्था जो किया गया है मोदी के जरिए, बीजेपी सरकार के जरिए, तो ये मजदूरों के हित के लिए अच्छा नहीं है जी। सर इसमें रेलवे, बैंकिंग जो सेक्टर है, या अलग अलग सरकारी गैर सरकारी ट्रांसपोर्ट विभाग है, फूड सप्लाई जो FCI है, कॉरपोरेशन है, जो भी सभी इसमें शमूलियत की, जो ट्रांसपोर्टर थे, यूनियन थी सबकी, क्या एजेंडा क्या था, क्या मांग रही हैं उनकी, क्या बदलाव चाहते हैं? सर ये तो सभी को मतलब ठेके पे दे रहे हैं मोदी जी, इसके विरोध में स्ट्राइक था। देश के अंदर में आज मजदूर का जो ग्रोथ है वो सबसे नीचे चला गया है, इसलिए जो है मजदूरों में आक्रोश है। और मजदूरों में क्या, पूरे देश के अंदर में जनता के बीच आक्रोश है मोदी के खिलाफ, बीजेपी की सरकार के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने देश में जो वादे किए वो कुछ भी नहीं किया और आज तक जो है कुछ किया नहीं है। अब जो है 3 महीने रह गए हैं लोकसभा इलेक्शन के, तो अब जो है झूठों के जो है लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं जी। सर तीन राज्यों में इंटक के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, काम किया और सत्ता परिवर्तन किया, भाजपा को हटाया राज्यों में, और क्या उम्मीद करते हैं कि देश में भी जो लोकसभा चुनाव में इंटक क्या रोल अदा करेगी? सर इंटक तो कांग्रेस पार्टी का समझिए राइट हैंड है, ये इंटक तो जो है कांग्रेस पार्टी के फुल सपोर्ट करेगा, और जहाँ जहाँ भी जितने भी, बल्कि इंटक क्या, दूसरे भी संगठन के जो मजदूर है जो उनके साथ मोदी सरकार ने धक्का किया है, बीजेपी सरकार ने धक्का किया है, ये सारे लोग जो है इसको मुंह के बल गिराएगा, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेगा। तो अभी लेटेस्ट आज लोकसभा में, कल लोकसभा में और राज्यसभा में स्वर्णों को 10% रिजर्वेशन का एक लॉलीपॉप देने का कहा जा रहा है, लोग कहते हैं वो सरकार ने भेजा एक बिल पारित करने की कोशिश की है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए एक बात पूछना चाहता हूं देश की जनता से मीडिया के माध्यम से, कि आप हमको बताएं कि 4.5 साल गुजर गए, इन्होंने खुद ही आरक्षण का पहले विरोध किया, अब जो है देखा कि इलेक्शन में हम मुक्की के बल गिर गए, 3 राज्य में हम हार गए, बल्कि 5 राज्य में इलेक्शन दबा करता है कि हम हार गए, तो अब मुंह के बल गिरे, तो अब देखा कि अब इसको कैसे निभाया जाए, तो आरक्षण जो है इन्होंने बढ़िया तरीके से आरक्षण को लोकसभा में पास करा दी। दूसरी बात यह है, अगर इन लोगों का, अमित शाह और मोदी का असली चेहरा देखना है, देश के जनता से मैं अपील करता हूँ, असली चेहरा देखना है तो नायक फिल्म जरूर देखें, ये वही है पक्का नायक फिल्म है। अमरीश पुरी वो मुख्यमंत्री का रोल निभाते हैं, और ये जो है वो एक और है टिंकू जी, तो वो क्या नाम है, अमित शाह का रोल निभाते हैं, सेम टू सेम जो है, दोनों एकदम सेम टू सेम है डायरेक्ट जी। हमारे साथ मौजूद हैं इंटक की जिला प्रधान, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? निशा जी, जो महिलाओं पर, बच्चों पर और बहुत सारे मजदूरों पर अत्याचार हो रहे हैं अब मौजूदा सरकारों के दौरान, आप इस संगठन से जुड़ी हैं, क्या करना चाहती हैं? सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को मैं वोट करना चाहती हूँ और यही अपील करना चाहती हूँ कि सब उन्हीं को वोट दें, क्योंकि उनके हट जाने से काफ़ी मुसीबतें आई थी यहाँ पर, और कांग्रेस पार्टी आने के बाद ही इसका सोल्यूशन निकलेगा। हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हर किसी का एक एक सोल्यूशन निकाला जाएगा।
मैडम जो देश के अंदर लेडीज़ के ऊपर महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में, राजस्थान में, आप आपकी जो सरकार बनती है, मान लो कांग्रेस की सरकार आती, क्या सुरक्षा कर पाएगी महिलाओं? सबसे पहले तो औरतों के लिए, लेडीज़ के लिए, सबके लिए एक यही अपील है कि वो कांग्रेस पार्टी को चुने और सबसे पहले अपने अंदर हिम्मत लाएँ। अगर वो हिम्मत ली आती हैं तो सरकार किसी की भी हो, वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हैं, लेकिन अगर वो हिम्मत आगे बढ़ाएंगी तो कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ थी, है और रहेगी।